गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू मैथ्स। स्टूडेंट्स, ये आपका मैथ्स का होमवर्क है। मैंने आपके लिए वर्ड्स कम आफ्टर, बिटवीन एंड बिफोर पे वीडियो बनाया है और इसे आपको कॉपी में, अपनी मैथ्स की कॉपी में राइट करना है। और जो हमारे बुक में चैप्टर चल रहा था, सेकंड चैप्टर, उसमें आपका वर्ड्स कम आफ्टर था, बिफोर था, बिटवीन था, और मैंने आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया था, इसलिए आज मैं बना रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आपको तो पहले से ही पता है ये आपका होमवर्क है और आपको अच्छे से करना है। देखिए मैंने यहाँ पर ये जो है एक स्केल बनाई है 0 to 10। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ 10 तक नंबर लिखा हुआ है और ये आपका आफ्टर है, ये बिफोर है एंड ये बिटवीन है। चलिए सबसे पहले हम आफ्टर पढ़ते हैं कि 9 है तो 9 के बाद क्या आता है। यहाँ जो स्केल मैंने बनाई है आपको यहाँ से चेक करना है, तो 9 के बाद 10 आता है, तो यहाँ पे 10 मैंने लिख दिया है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपका जो है 6 है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे ये स्केल जो बनी है 6 के बाद क्या आया है 7, तो ये मैंने 7 यहाँ पे लिखा है। 2 के बाद क्या आता है, ये देखिए यहाँ पर 3 लिखा है, 3 हो गया। 4 एंड 4 के बाद क्या आता है 5, आफ्टर मीन्स बाद में क्या आता है 5 के। स्टूडेंट्स ऐसे ही हमारा ये है बिफोर। बिफोर मीन्स क्या होता है, पहले। अगर मैंने यहाँ 5 लिखा है और आपको बोला है कि 5 से पहले क्या आता है आपको लिखना है, तो यहाँ पर जो है 5 लिखा ही हुआ है, स्केल जो यहाँ पर चेक कर रहे हैं ये, और यहाँ पर जो है 5 से पहले हमारा 4 आया है, 2 से पहले 1 आया है, 6 से पहले 5 एंड 10 से पहले 9, ये हमारा बिफोर है। एंड लास्ट वन हमारा बिटवीन। तो 8 बिटवीन क्या होता है, बीच में, 8 एंड 10 के बीच में क्या है हमारा 9, 2 एंड 3 के बीच में क्या है, सॉरी 2 एंड 4 के बीच में क्या है 3। देखिए यहाँ पर 2 है, थोड़ा जूम करके मैं दिखा दूँ एक बार, ये देखिए यहाँ पर 2 है एंड यहाँ पे 3 है, बीच में क्या आ रहा है आप सबको पता है ना, 3, 2 और 4 के बीच में 3, 2 3 4 लाइन से हो गया। कि स्टूडेंट्स इसी तरह हमारा यहाँ पर है 6 7 8 4 5 6। इसको आपको अपनी कॉपी में स्केल ऐसे बनानी है और आफ्टर, बिटवीन एंड बिफोर सब कुछ आपको कॉपी में राइट करना है। डेट इज़ योर होमवर्क। थैंक यू स्टूडेंट्स।